हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 24 सितंबर और आज निफ्टी ने पहली बार 26,000 का लेवल छू लिया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया उस लेवल पे। ये 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी देख सकते हैं ओवरऑल हल्के से बढ़त के 1 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में 137 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लगभग कल जैसा ही एक बोरिंग सा फेज कह सकते हैं आज का पूरे सेशन को। ये था आज का 5 मिनट का चार्ट, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। कल जो हमने लेवल्स मार्क किए थे वो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ फर्स्ट टारगेट के पास। पहले इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, दोबारा से जब ऊपर गया फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फर्स्ट टारगेट को पेनेट्रेट कर रहा था और बीच में ही एक स्पाइक आ गया और उसने 26,000 के लेवल को छू लिया, जो कि हमारा 26,000 सेकेंड टारगेट था। और वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, जस्ट छू के फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया और क्लोज हुआ ब्रेकआउट लेवल के नीचे आकर। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में निफ्टी के 26,000 का लेवल निफ्टी ने छू लिया है, लेकिन वहाँ पर ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए हम 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये रहा 60 मिनट का चार्ट। आप देख सकते हैं अभी RSI जो है ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है, यानी 70 to 100 यहाँ पर ओवरबॉट जोन माना जाता है। और लास्ट का ये 2 दिन का आप 60 मिनट का चार्ट देखिए किस तरह से ये छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक छोटा करेक्शन दिखाए, प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, क्योंकि देख सकते हैं आप लगातार 10-11 दिन से ये ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए हमें नज़र आ रहा है। अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है 60 मिनट के चार्ट में, उसके जस्ट ऊपर होगा, यानी अराउंड 25,974। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 25,993 और सेकेंड टारगेट होगा 26,016। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 60 मिनट के चार्ट का, उसके जस्ट नीचे 25,914, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 25,895 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,873, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए जो हमने कल ब्रेकआउट और ये एक सेकेंड कल हमने जो निफ्टी में ये जो ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर मार्क किया था और ये ब्रेकडाउन लेवल, ये ब्रेक नहीं हुआ है, इसको पेनेट्रेट किया है सिर्फ, और यहाँ से ऊपर मतलब इसी दो लाइन के जोन के बीच में पूरा दिन बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। तो कल के लिए अगर देखे हमारे लेवल्स क्या बन सकते हैं, तो जो आज के लिए जो लेवल्स थे हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, वही सेम कल के लिए होंगे, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हुए हैं, उसी जोन के बीच में आके फिर एक बार ये क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में भी लगभग बोरिंग सा फेज ही था। और ब्रेकआउट लेवल कल के लिए 54,214, फर्स्ट टारगेट होगा 54,286, सेकेंड टारगेट होगा 54,359, ब्रेकडाउन लेवल होगा 53,931। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी के पास दो बार इसने सपोर्ट लिया है आज, और फर्स्ट टारगेट होगा 53,852 और सेकेंड टारगेट होगा 53,773। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है, अंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।